Assalamu alaikum. I am Hina. How are you? Hope you will be fine. Let's start our new lesson about adverb. What is adverb? Adverb kise kehte hain? Adverb kya hai? Isme zarf kya hai? Friends, if you are new, so kindly subscribe my channel. Let's start. An adverb is a word or words which modifies verb and other adverb. इसमें ज़र्फ ऐसे अल्फाज या ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी फेल को या दूसरे जो है इसमें ज़र्फ को मोडिफाइज करें. इट इज आल्सो मोडिफाइज एडजेक्टिव. ये इसमें सिफ्त को भी मोडिफाइज करता है. मोडिफाइज कहते हैं किसी के बारे में कुछ बयान करने को. ठीक है, अंडरस्टैंड? अब देखें, ही स्पीक, वो बोलता है. तो ये स्पीक्स यहाँ पे वर्ब है, जबकि हम कहते हैं कि वर्ब की किसी खासियत को बयान करता है. तो भाई कैसे करता है, किस तरह करता है, कैसे करता है भाई? तो ये देखें, यहाँ पे हमने लिख लिया सॉफ्टली, ही स्पीक सॉफ्टली. तो ये सॉफ्टली जो यहाँ पे आ गया, तो इसने बयान कर दिया कि ही स्पीक, वो बोलता है सॉफ्टली. भाई वो नरमी से बोलता है, तो ये सॉफ्टली इसका एडवर्ब हो गया, ये वर्ब को बयान कर रहा है. अब दूसरा देखें, शी सिंग्स, वो गाती है. भाई कैसे गाती है, हमें बयान तो करके बताओ, इसके वर्ब को बयान तो करो, इसके वर्ब को मॉडिफाइज तो करो. तो ये देखें जी, लाउडली, वो तेज गाती है. अब ये लाउडली किस को मॉडिफाइज कर रहा है, सिंग को. समझ आ गई? यहाँ देखें जी, यू आर ब्यूटिफुल, तुम खूबसूरत हो. भाई यहाँ आप किस तरह बयान कर रहा है, ये कैसे इसमें सिर्फ को, ये जो हमारे वर्ब को, ये कैसे हम पता चलेगा कि ये वर्ब की खूबसूरती को जाहिर कर रहा है, भाई इसमें कैसे, किस तरह पता लगेगा? तो ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम, हमें ये तो जाहिर करके बताओ कि एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कैसे कर रहा है भाई. एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कैसे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, पता तो चले हमें. किस तरह पता चलेगा कि एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कर रहा है? तो ये देखें भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. अब ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और ये मॉडिफाइज कर रहा है एडजेक्टिव को. समझ आ गई? समझ आ गई? अब देखें जी, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इसमें वर्ब की किस्में. तो पहला इसका वर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, और नंबर पांचवा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एंड नंबर सिक्स इज एडवर्ब ऑफ रीजन. तो दिस वर काइंड्स ऑफ एडवर्ब. नाउ फोकस ऑन एडवर्ब ऑन मैनर्स. एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होते हैं भाई? तो देखें, This kind of adverb shows manner of an action. ये देखें जी, slowly, fastly, clearly, softly, ये इसके manners हैं. ठीक है, जो हम काम करते हैं हमें, हमारे manners को वो show करता है. Adverb of manners जो होते हैं, अब कैसे करते देख ले. He speaks slowly, वो आहिस्ता बोलती है. तो ये उसका manner को show कर रहा है कि वो भाई किस कैटेगरी की लड़की है, ऐसा बोलने वाली है. तो ये स्टोरी जो है ये उसका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. आगे समझ. अब ये देखें, दे रन फास्टली, वो तेज दौड़ते हैं. अब ये फास्टली जो है ये उनका मॉडिफाइज कर रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर को. ठीक है, अब आगे हम इसका दूसरा वो देखते हैं. नेक्स्ट काइंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमें जगह के बारे में बताएगा. देखें, दियर, ठीक है, ये हमें बताएगा जगह के बारे में, जगह की खासियत वगैरह के बारे में. हियर, हियर मतलब इस किस्म के इसमें अल्फाज यूज़ होंगे. ठीक है, इन, आउट, सही. आगे देखें, बिहाइंड, राइट, मैं आपको स्लोली स्लोली बता रही हूँ ताकि समझ आ जाए. फार, बिहाइंड पीछे, और फार जो है दूर को कहते हैं. फार को, ये फॉर नहीं है, ये फार है, ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है.
ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखें, ही गोस दियर, वो वहां जाता है, ये शो कर रहा है उसके वहां जाने को, तो दियर जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। अब देखें, वी गो आउट, हम बाहर जाते हैं, तो आउट जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये एक्शन जाहिर कर रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं। आगे समझ, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली इसमें टाइमिंग ही होगी, ठीक है। अब देखें, लेट, बिफोर, अर्ली, इस किस्म के अल्फाज जब आए तो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अंडरस्टैंड, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ऐसे तमाम अल्फाज जो हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यू कम लेट, तुम देर से आते हो। अब ये देर से आना क्या है, लेट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। दे वेंट यस्टरडे, वो कल गए थे, चले गए थे। अब ये यस्टरडे क्या है, ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, समझ आ गई, ठीक है। तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अंडरस्टैंड। अच्छा, तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसके आखिर में लाइक करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आप। अच्छा, अब देखें जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर वगैरह शो करते हैं, क्वांटिटी वगैरह शो होती है फ्रीक्वेंसी में। अब देखें, यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब देखें, वंस, ट्वाइस, स्लोली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, सेल्डम, ऑलवेज, समझ आ रही है दोस्तों। जहाँ कहीं समझ ना आए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ओके। सम टाइम, राइट, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी स्लोली ताकि आपको समझ आ जाए। हाउ ऑफन, इस किस्म के जब अल्फाज आ जाए तो उनका क्वेश्चन जो है वो हाउ ऑफन से शुरू होता है। हाउ ऑफन डिड यू गो, ठीक है, हाउ ऑफन डू यू टेक मिल्क। अब ये देखें, ही रीड्स अ बुक ट्वाइस, वो किताब को दो दफ़ा पढ़ता है, तो इसका क्वेश्चन यूँ हो सकता है, हाउ ऑफन डज ही रीड अ बुक, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन इसके हमेशा हाउ ऑफन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और ये देखें, दे कम टू माई होम सम टाइम, वो कभी कभी मेरे घर आते हैं, ठीक है। तो ये सम टाइम जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आता है। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में कैसे लफ्ज आएंगे, हाउ मैनी और हाउ मच, इस किस्म के लफ्ज, मतलब इस किस्म के इनके सवाल बनते हैं जिसमें अल्फाज यूँ इस्तेमाल होते हैं, वेरी लिटल, इनफ, इस तरह के। लेकिन इनके क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, हाउ मैनी और हाउ मच के साथ, ठीक है। ये देखें, टू, ये वाला भी लफ्ज इसमें आ सकता है, वेरी लिटल, इनफ, टू, राइट। मैं आपको स्लोली स्लोली इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो देखें, ही इज टू क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा होशियार है, तो क्लेवर जो है ये इसकी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है इसका, ठीक है। ये देखें तो राइट, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की समझ पड़ गई ना, इसके लिए क्वेश्चन आप कह सकेंगे कि हाउ मच ही इज क्लेवर, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, किसी रीज़न, तो आप जानते हैं वजह को ही कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न, जिसमें वाई, क्वेश्चन इसका वाई से शुरू होगा, क्वेश्चन साइन इसका होता है वाई, ठीक है। हम वाई के तौर पे इसको सवाल पूछ सकते हैं ना। डियर फॉर, इसमें डियर फॉर आ जाएगा, ही डियर फॉर लेफ्ट द स्कूल, या बिकॉज इसमें आएगा, ठीक है, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज जैसे सेंटेंस भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वाई डू यू कम, तुम क्यों आए हो, तो बिकॉज के साथ हम जवाब दे सकते हैं। देखें, आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ रेन, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो मुझे तो लगती है कि अच्छी बनी है, अगर आपको लगती है तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं आपको समझ नहीं पड़ी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ओके। मैंने आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है, और बहुत ही मुश्किल से और बहुत टाइम लगा के बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए।
ओके गुड बाय, अल्लाह हाफ।